गुलजार भाई, गुलजार भाई क्या हुआ? ओहो आपको तो बहुत तेज बुखार है, चले उठे उठे अंदर चले। अपने दुश्मन मैं खिला क्यों ना दी, बड़ी बेवफा निकला, ये जोड़ के चलेंगे, मुझे डर लग रहा है। परेशान मत हो भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिमशा मुझे एक बार वहां जाना पड़ेगा। कहाँ? वहां जहां मैं एंजल के साथ जाती थी। पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी कितना डेंजरस आदमी है। हाँ फिर भी वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा, पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढ रही है, वो पागल थोड़ी है। मैं जानती हूँ लेकिन मुझे जाना है फिर भी एक बार, और स्कूल के बाद तुम मेरे साथ चल रही हो। तुमने रिदा को फिर से स्कूल भेज दिया? मुझे अपनी बेटी को जिंदगी में वापस लाना है सौदत। महेश अभी तक वो इंसान पकड़ा नहीं गया है जिसने रिदा को हिप्नोटाइज किया था, और वैसे भी वो अभी मेंटली स्टेबल नहीं है। सौदत गलती बार बार नहीं होती। सौदत अब वो इन टीनेज लड़कियों से गलतियां बार बार ही होती हैं। बेटा हमें इस वक्त रिदा में भरोसा पैदा करना पड़ेगा, ये नान तान छोड़ो, उसमें एतमाद पैदा करना है हमें। महेश अगर इस बार रिदा ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फजूल में बहू पर इल्जाम तराशी मत करो। और एक बात बताओ, ये स्कूल वाले कैसे मान गए? हमने प्रिंसिपल से बात की है। प्रिंसिपल को तुमने कॉल की थी? अबू ने बात की थी। तो मतलब अब इस घर के सारे काम मुझसे छुपाए जाते हैं, मेरा अमल दखल बिल्कुल नहीं है इस घर में। तुम्हें डांट डपट से फुर्सत मिले तो फिर तुमसे कुछ बात पूछी जाए ना। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। जी भाई आपको होश आ गया? बुखार से तप रहे थे आप। मुझे वहीं पड़े रहने देते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब खुद से ऐसी भी कैसी नाराजगी? बड़ी तो अल्लाह की दी हुई चीज थी,
अल्लाह ने वापस ले ली। तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। तो गलतियां की हमने, ये सब उसकी सजा है। आप भूल गए रात को आपसे दादी ने क्या कहा था? समझी है? आप बेहोशी की हालत में अपनी दादी से बात कर रहे थे पर जवाब ही खुद दे रहे थे। शायद मैं पागल हो रहा। नहीं भाई, मैं भी अक्सर अपने बाबा के साथ ऐसी ही बात करता हूँ जब तकलीफ और दर्द में होता हूँ। मेरी बात माने, डॉक्टर के पास चले। नहीं नहीं, ठीक हो जाऊंगा, जल्द ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसे ठीक होते हैं क्या? रात को आपने अपनी हालत नहीं देखी, मैं तो डर गया था आपकी हालत देखकर। हिम्मत होती तो आपको उठा कर ले जाता, मगर देसी जड़ी बूटियां दे दी थी आपको ताकि आप उठ जाएं। नहीं नहीं, ठीक हूँ, कह रहा हूँ ना, ठीक हूँ। अब जाओ। ऐसे जाऊं? मगर आपको ऐसे इस हालत में कैसे छोड़कर जाना? खुद को संभाल सकता, संभालता आया हूँ। मैं अकेला ही रहा हूँ, अकेला रहना आता है, अकेला ही रहता आया हूँ, खुद को संभाल सकता हूँ। जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ। ये आपके लिए खाने के लिए लेके आए, खा लें। पास्ट को जाने देते हैं ना यार, नहीं तो तकलीफ देता रहेगा। वैसे भी एंजल जैसे लोग वापस नहीं आते, ना इनका कोई नामो निशान होता है। तुम चलो यहां से। मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या कह रही हैं अम्मी? आपका इंटेंशन गलत नहीं था, मैं जानती हूँ। अगर गलत नहीं था तो फिर इतनी दूरियां कैसे हो गई? गुलजार ने तुमसे रब्ता नहीं किया तो कम से कम तुम ही उसे कॉल कर लो, पैचअप कर लो बेटा। नहीं अम्मी, गुलजार ही पहल करेगा, वो खुद आके मुझे ले जाएंगे तो ही पैचअप होगा। मैं पागल थी कि मैंने उसे अपनी कमजोरी बना ली, लेकिन अब जब तक मैं उसकी कमजोरी नहीं बन जाती ना, मैं वहां जाकर अपनी वैल्यू नहीं गिराऊंगी। देखो बेटा, इतना अरसा हो गया है, गुलजार ने पहल नहीं की तो तुम ही पहल कर लो। देखो तुम उसका बच्चा पाल रही हो और देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अपना चेकअप कराओ जाके। सुनो, एक सेकंड, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं क्या, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मेरा मतलब है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसका तुम्हारे बाप को ना पता हो तो खतरनाक होगा, और वैसे ही बड़ी मुश्किल से काम धंधे पे वापस लगा हूं। एक मिनट, मैं ढूंढने में करूंगा मदद। मैं भूल गई थी तुम्हारा काम धंधा भी है। मैं
मुझ पर एक मेहरबानी करना, मेरे माँ बाप को ये ना बताना कि मैं यहाँ आई थी। खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी, तुम्हें ना किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया, तुम में इतनी में है कि तुम्हारी जिंदगी में तो किसी और की जगह ही नहीं। ये सोशल वर्कर सब एक ढोंग है। मम्मी, खुद को जीने की तसल्ली में बहाने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं कहती थी तो। चको मैं गलत था, तुम्हारे अंदर से मामला को दिखाओ तो आज हमें याद भी आए तो ओए, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? जो भी हो, तुम्हारा क्या लेना देना, हटो। झूठ बोलते हो, बताओ तुम्हें किसने भेजा यहाँ पे नजर रखने के लिए? पे नजर रख लूं, बड़ी बात, तुम्हें देखकर क्या करना है मैंने? अरे मुझे तो ये कुछ पागल लगता है, ड्रामे कर रहे हैं, मुझे ये कोई जासूस लगता है, वरना इस जंगल में कौन रहता है? रहते हैं ना मेरी तरह के पागल, खुद की तलाश में भटके हुए। तुम जो भी हो, यहाँ जो भी कर रहे हो, फौरन से निकल जाओ, वरना वरना क्या, वरना वही हाल तुम्हारा भी करेंगे जो तुम्हारे कुत्ते का किया था। तुम लोगों ने मारा मेरे कुत्ते को, तुम लोगों ने। अरे मारने तो तुम्हें आए थे, पर वो तुम्हारा कुत्ता बीच में आ गया, टपका दिया उसको। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा इधर का रुख नहीं करना। मेरी इतना इडियट थे तुम भी, मेरी खातिर मर गए। कम बोझ था मेरे पे पछतावे का, जब तुम ये गिल का बोझ भी लाद गए मुझ पे। उन्होंने मुझे मारना, तुम मार देते, क्यों बचा है मेरी जिंदगी में? वैसे भी ना कोई लोग, ना कोई मकसद, बस तुम थे। अंकल, अंकल एक मिनट रुकिए। रिद्धा क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? रिद्धा, रिद्धा कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो रिद्धा? कैसे जालिम लोग हैं, इनको किसी चीज की परवाह ही नहीं, मासूम दरख्तों को काट काट कर इनका जी नहीं भरा।
जो आप एक मासूम जानवर को सब मेरी मेहनत हुआ है ना, मैं उसे यहां लेकर आता ना उसके साथ ये होता, शहर में भी मेरी वजह से। खुद को मत कोसे भाई, आपका जी नहीं करता कि उन लोगों से बड्डी का बदला ले। बदला तो मैं खुद से लेना चाहता हूं, मेरी वजह से किस किस की जिंदगी, पता नहीं कितनों की खुशियां बर्बाद हुई हैं। बहुत खुद गर्ज हूं मैं। खुद गर्ज तो आप अभी भी बन रहे हैं। बड्डी से कुछ सीखे, जो यहां आकर भी बीमार होकर भी अपना मकसद नहीं भूला, आपसे प्यार करना, आपकी हिफाजत करना। और एक आप हैं, आपको अपनी पड़ी और अपने पछताओं की। क्या चाहते हो, पीछा क्यों नहीं छोड़ते मेरा, कंफ्यूज क्यों करते हो? ठीक तो कहता है भोला, बेमकसद जिंदगी। बात है, मैं अपनी मकसद का खमियाजा भुगत चुका हूं। शहर में भी चैन से नहीं जीने देते थे, सुन ली ना सबकी, छोड़ा है सबको, चैन से मरने तो दो। इंसान मकसद भूल सकता है लेकिन मकसद इंसान को नहीं भूलता। तुम उसे छोड़ोगे तो हॉन्ट करेगा मुझे, वो बाकियों की तरह भूत बन चुका हूं मैं अपने रिग्रेट्स का। भटकने तो उस जंगल में, जंगल रहे तब ना, ये वो यहां भी आ जाएंगे, सब काट डालेंगे, दुनिया बसा लेंगे इधर। फिर कहां जाओगे? यहां भी वही होगा जो वहां होता है, फरेब, धोखा, करप्शन। फिर किधर जाओगे? चुप चुप चुप। जी, क्या मैं महविश से बात कर सकती हूँ? जी, बात कर रही हूँ। जी, मैं बख्तावर बात कर रही हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपके शोहर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ बख्तावर, कहो, सुन रही हूँ। मैंने कुछ अरसा पहले आपके देवर से भी बात की थी, गुलजार से। लगता है शायद वो आपके शोहर को सही नहीं समझा सका, इसीलिए शायद आप उसे सही तरीके से समझा सकें। क्या समझाना है सादत को? यही कि पहले मैं मजबूर थी।
महवेश ऐसी क्या कयामत आई थी कि तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? हाँ कहीं रिदा तो नहीं भाग गई फिर से? अम्मी अब्बू तो ठीक है ना? खामोशी से क्या देख रही हो, जवाब दो। ये बख्तावर कौन? मैंने पूछा ये बख्तावर कौन है सादत? मैंने कहा मुझे बताओ ये बख्तावर कौन है? कौन है ये? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम मुजरिम। चीट किया है तुमने मुझे। महवेश क्या हो गया बेटा, सब खैरियत तो है? कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? मुझे एक औरत की कॉल आई अब्बू, पता नहीं कितने सालों से इसका उसके साथ अफेयर चल रहा है और अब ये उसे ब्लैकमेल करता है। क्या ये सच है सादत? वो आजकल के जमाने में किस मर्द का अफेयर नहीं होता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक एक कर सारे गुनाह तुम्हारे सामने आ रहे। दिल तो तुमने मेरा तोड़ ही दिया था, आज सर भी शर्म से झुकवा दिया है। बस ठीक है, वो लोग उसे ले गए। कौन लोग? पता नहीं, ले जाते हुए मार रहे थे। कहाँ लेके गए? उस तरफ। उस तरफ जाके मोहल्ले वालों को बताओ जल्दी। सुकून से अच्छा तो तू है। बड़ी फिक्र लगी हुई है तुझे इस जंगल की। एक बात बता, जंगल अच्छा लगता है? हैं? वो अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? बोल। ये जंगल मेरा घर है, कौन अपने घर में चोर बर्दाश्त करता है? ओ, 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 मुझे लगा था ये लड़का है, ये तो बंदर है। ये तो बंदर है। ओ, ये जंगल इसका घर। ओए काट डाल इसे। अरे कौन है तुम पागल? मैं ही हूँ पागल, मैं ही हूँ वो पागल। इस बेजान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो लड़ना है तो हमसे लड़। चल, जब तुम ये दरख्त काटते हो तो जमीन भी ऐसे ही रोती है, दुहाई देती है, तब तुम्हें रहम नहीं आता इन बेजमान जानदारों पर? ना कर यार, ना करो, तेरा खुदा दा वास्ता यार। ओए नहीं 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 नहीं, मेरा व्हाट्सएप यार, ओ ना कर। साहब जी, हाँ, बैकअप नहीं है? नहीं है? हाँ बॉस, तो फिर किस बात का डर है? ओए ओ पकड़ो इसे, रुक जाओ, रुक जाओ।
ठहर दीजिए, ठहर दीजिए, गिरफ्तार करो इन्हें। अरे छोड़, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुमने ठीक नहीं किया, मैं देख लूंगा। नीचे कर, ठीक है। गुलजार भाई जिंदाबाद, गुलजार भाई जिंदाबाद, गुलजार भाई जिंदाबाद, ठीक है जी। गुलजार भाई क्या हुआ? गुलजार भाई आप ठीक तो हैं? हाँ एक मिनट, गुलजार भाई इसे क्या है? चेयर का ख्याल में ले जाना। उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। गुलजार भाई आंखें खोले, गुलजार भाई कुछ नहीं होगा, गुलजार भाई आंखें खोले। रिदा कहाँ है? आंटी रिदा तो वैन से उतर गई। क्या मतलब उतर गई? मतलब वो रास्ते में उतर कर कहीं चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता आंटी, मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी पर वो नहीं रुके। मैंने फिर उसका इंतजार भी किया कि शायद वापस आ जाए। थाया आप ये लड़की क्या करने वाली है? परेशान ना हो मम्मी, मैं फिर से कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाली। वैसे भी मेरी एक ही गलती ने 14 तबक रोशन कर दिए। उम्मीद है सादत को उसकी बीवी और उसके घर वालों ने लगाम लगा दी होगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। सादत ने कोई वीडियो भेजी है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? वो मेरे होता है पागल। क्या नहीं होना चाहिए था बख्तावर? पता नहीं उसने ये वीडियो कैसे बनाई। उसी का फोन है। अब क्या होगा राशिद? सुन, स्पीकर ओपन कर। तुमने जंग का ऐलान किया है तो ऐसा ही सही। तुम्हारी और भी बहुत वीडियोस हैं मेरे पास, उन्हें मैं सोशल मीडिया की जीनत बनाऊंगा। मुझे नहीं लगता आप प्रीनेटल विटामिन्स ले रही हूँ या कुछ खा पी रही हैं। इससे आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और ये मैं अभी से आपको बता रही हूँ। बख्तावर, मैंने सोचा था हमारी जान छूट जाएगी सादत से, लेकिन उसकी कभी भी जान नहीं छूट सकती। वो मेरी वीडियो नेट पे डाल सकता है। अभी वीडियो डाला तो नहीं ना। खुदा के लिए अपने आप को अलकान मत करो बख्तावर। डाल तो सकता है ना, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Thank you.
इतनी बड़ी गलत फहमी में थी मैं, खुद को इल्जाम देती रही कि मैं अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर पा रही हूं। अब पता चला कि वो तो अपने बाप के गुनाहों की सजा काट रही है। जो आदमी दूसरों की औरत को ब्लैकमेल करे, उसकी अपनी बेटी कैसे बच सकती है? मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं, और मैं जो तुम्हारी बकवास सुनती रही हूं आज तक, ये सोचकर कि तुम मेरे शौहर हो, मेरी बच्ची के बाप हो, तुम जो कुछ भी बोलोगे चलेगा। अगर एक लफ्ज भी और तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुमसे बुरा तो वैसे ही कोई नहीं है सादत। मुझे तो आज पता चला कि अब्बू तुम्हारी वजह से इतने सालों से व्हीलचेयर पर। वो एक हादसा था। और भी बहुत से हादसात के बारे में पता चल चुका है मुझे, बशमूल बख्तावर से अफेयर के। अगर तुम बख्तावर की वजह से चल रही हो तो इन बाकी मामलात को बीच में मत लाओ। हाँ चल रही हूँ मैं, चल रही हूँ मैं, क्योंकि तुमने मेरे साथ भी धोखा किया है। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ इस घर से। कब की दफा हो चुकी होती, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से रुकी हुई हूँ यहाँ पर, लेकिन कब तक रुकी हुई हूँ ये नहीं कह सकती। तो तुम बेशक इस घर में रहो या ना रहो, मैं इस कमरे में नहीं सो सकता, मुझे अपनी नींदें प्यारी हैं। आपके कोई रिलेटिव हैं, माँ बाप, बहन भाई? क्यों? मुझे आपके केस में से डिस्कस करना है। केस? आप मुझसे कह सकते हैं जो आपने कहना है डॉक्टर। आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। कैसे? आपको कैंसर है। और थर्ड स्टेज तक पहुंच चुका हूं। अब आप बिल्कुल अकेले नहीं रहेंगे, बाइक नहीं चलाएंगे, रोड क्रॉस करते हुए कहीं पे भी आप अचानक बेहोश हो सकते हैं। आपको फौरन कीमो स्टार्ट करना पड़ेगा। कैंसर? मुझे तो सिगरेट अच्छा लिया, न शराब, न पान, न ओवर ईटिंग, सब नेचुरल। थैंक यू। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? शहर वापस। शहर? मगर मुझे तो लगा था कि आप जिंदगी के झटकों से डर के भागा था। अब जिंदगी कुछ नए झटकों ने सिखाया है कि खुद से नहीं भाग सकते। जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा, और जो खराब हो गए थे दुआ करना कि वो ठीक कर पाओ इंशाल्लाह। कितनी अजीब बात है ना, आप शहर वापस जा रहे हैं और अब मैं भी इस जंगल में रहना चाहता हूँ, इन दरख्तों में। हमारे बाबा ने ठीक कहा था, इंसान मकसद को छोड़ सकता है मगर मकसद इंसान को नहीं। अपना ख्याल रखना भाई। नहीं मिलोगे। फिर मिलेंगे। जिंदगी रही तो
पूछूं मैं हकलाता क्यों, यारो मैं पछताता क्यों, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।